माली सैन्य कुशा शाक्य मौर्य सकरवंशी माली डिगर बाली इत्यादि समाज के 33 जिलों के पंच पटेलों की सभा का आयोजन अजमेर जिले के ब्यावर में आयोजित की गई, जिसमें माली सैनी समाज के 12% आरक्षण के लिए समाज के पंच पटेलों ने आगे की रूपरेखा तय की। आगामी रणनीति तय करते हुए पूरी रूपरेखा राजस्थान से आए हुए पंच पटेलों ने निर्णय लिया कि आगामी दिनों में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें माली समाज राजस्थान के सभी तहसीलों में समाज बंधुओं से संपर्क करके आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और समाज के लोगों को इसके लिए जगाया जाएगा। इसके साथ ही आज की सभा में मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करने के लिए 33 जिलों से पधारे समाज बंधुओं की एक 33 सदस्यों की कमेटी का भी गठन किया गया। आरक्षण का जो समझौता हुआ है सरकार के साथ, उसके हिसाब से अगर सरकार का रुख सकारात्मक रहता है तो समाज सरकार का रुख का स्वागत करेगा, अन्यथा दीपावली के बाद बहुत बड़ी बैठक करके आंदोलन की घोषणा की जाएगी और समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की भी आज घोषणा की गई। फुले आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान के संयोजक मुरारीलाल सैनी ने अपने उद्बोधन में मौजूद समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए आरक्षण के इस महायज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया और सरकार से जल्द माली समाज को 12% आरक्षण देने की मांग की, अन्यथा दीपावली बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है। आज हुई आम सभा में मंच का संचालन रमेश तकदी और भरत भाटी द्वारा किया गया। सभा में फुले आरक्षण समिति सदस्य भगवान सिंह सैनी, सम्राट अशोक सेना, भरतपुर संभाग अध्यक्ष देशराज सैनी, विनोद सैनी, सचिव शंकरलाल सैनी, माली सेना संस्थापक दिनेश भाटी, अजमेर जिला माली सेना जिलाध्यक्ष किशन देवड़ा, फुले आरक्षण समिति प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश गहलोत, मोहनलाल दगदी, मालियान पंचायत शाहपुरा मोहल्ला अध्यक्ष हनुमान चौहान, छावनी अध्यक्ष कालूराम साकला, फूलपुरा अध्यक्ष रूपचंद पालड़िया, चूरू से चंद्रमोहन जी नागौर, जिले से देवाराम जी सैनी, प्रदेश फुले आरक्षण समिति महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मीरा प्रधान, करौली जिला अध्यक्ष मोर सिंह जी, कोटपुतली से राम सिंह जी, बूंदी से चौथमल सैनी, मुकेश सैनी, सूरजमल सैनी, टोक से कैलाश मौर्य, कैलाश सैनी पाली से रामलाल जी, बारा से कैलाश जी, अजमेर माली सेना अध्यक्ष हेमराज खारोलिया, धर्मेंद्र सैनी, गणेश सैनी, मदनलाल सोलंकी आदि समाज बंधुओं ने भाग लिया। आज का बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, ब्यावर की वीर धरा एक आज से 17 साल पहले एक आंदोलन एक हुंकार भरी गई सूचना के अधिकार के लिए। 40 दिन आंदोलन चला और ये बताते हुए हमें खुशी है कि 12 अक्टूबर को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा ने देश के नागरिकों को ये कानून का अधिकार दिया। निश्चित रूप से ब्यावर की जीत है, पूरे देश की जीत है, लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, सरकार ने जो हमें कानून दिया, जो नागरिकों को कानून दिया, सरकारी लाल फीताशाही के मकर जाल में वो कैद है। इस कानून में सरकारी लाल फीताशाही नौकरशाही ने इतनी विसंगतियां और अड़चने पैदा कर दी कि आम आदमी को सीधे सरल सहज तरीके से कानून नहीं मिलता है। आवश्यकता इस बात की है, एक आंदोलन इस बात का होना चाहिए कि लाल फीताशाही की टेबल के नीचे जो ये कानून दफन हो रखा है उसे हम आज़ाद कराएं। निश्चित रूप से ये एक आज़ादी का हमारा जो सूचना का अधिकार है, हमारा इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, हमारा पैसा है उसका हिसाब हम मांग सकते हैं, वो अधिकार हमें मिला है, लेकिन अधिकार को सरकारी दफ्तरों से मुक्त कराकर आम नागरिक आम एक छोटे से छोटे गांव डाणी के घर तक पहुंचे, ये इसकी सफलता का सूत्र होगा, श्रेय होगा। इसके लिए निश्चित रूप से एक आंदोलन हम करेंगे। रेडीमेड
कपड़ों की दुनिया में एक नया धमाका। HOMT अल्टीमेट चॉइस लाए हैं एक नया भव्य फैमिली गारमेंट शोरूम अल्टीमेट फैशन, जहां पाएंगे फुल ब्रांडेड फैमिली गारमेंट शोरूम, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, किड्स वियर की विशाल रेंज, स्पेशल इंपोर्ट ब्रांड जर्मनी के लेटेस्ट कलेक्शन के साथ। तो आज ही चले आए अपने परिवार के साथ अल्टीमेट फैशन फैमिली क्लॉथ स्टोर, नवका एक्वायर सिटी सिनेमा के सामने, स्टेशन रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 8619611431, 9626739781। संबंधित फर्म अल्टीमेट चॉइस सिटी थाने के सामने, भगत चौराहा, प्यावर।